अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आरिस मुमताज़ और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप ख़ुद से जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जीमेल अकाउंट ज़रूरी क्यों है। जीमेल अकाउंट आजकल के दौर में आपको हर जगह हर चीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप कोई अकाउंट बनाना चाहे वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुछ भी आप करें ऑनलाइन कामों में भी आपको हर जगह जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको हर जगह पता चले कि कैसे कैसे आपने कौन कौन सा स्टेप करना है। तो अगर मेरी वीडियो काइंडली पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी ब्राउज़र है, जैसे मेरे पास गूगल क्रोम है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में आपने टाइप करना है gmail.com। तो आपके पास कुछ इस तरह सा जो है वो पेज ओपन होगा। तो आपने क्लिक करना है यूज़र अनदर अकाउंट पे। अगर यहाँ पर तो मेरे पास तो यूज़र अनदर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऊपर अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए यूज़र अनदर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं तो आपके पास क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नीचे आ रहा होगा, तो आपने उस पर क्लिक करना है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का आपके पास नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर आपने फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आपने अपनी जो है वो नेम वगैरह एंटर करना है। जैसे मैं अपना नेम एंटर करता हूँ, मिसाल के तौर पे चलो मैं अपना ही एंटर कर देता हूँ HRIS फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पर उसने मुझे ख़ुद से ही जीमेल आईडी जो है अवेलेबल है वो उसने मुझे बता दिया कि ये जीमेल आईडी जो है ये अवेलेबल है। तो अगर मैंने यही वो रखनी है तो इसी को स्टार्ट कर लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई बनाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे हारिस मुमताज़ 786, ठीक है, ये अगर अवेलेबल है तो यह भी ये अभी किसी और ने ऑलरेडी किसी ने इस पर अकाउंट बनाया हुआ है तो इस पर मैं नहीं बना सकता, ठीक है। उसके अलावा 332, ठीक है, इसमें मैं बना सकता हूँ। तो अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई वो साथ कोई नंबर वगैरह डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा आपको ये नीचे ख़ुद भी ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने जो है इस तरह का ये वाली आपने ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आप ये भी डाल सकते हो। जैसे शुरू में मैंने जो ही ऊपर नेम इंटर किया था और यूज़र नेम पर यहाँ पर क्लिक करता गया हूँ तो उसने मुझे एक ख़ुद से ईमेल बनी बनाई ईमेल उसने मुझे दे दिया है। अगर आपको वो इजी लगती है तो आप वो भी वो कर सकते हो। तो
चले मैं इसको भी चेंज करके देखता हूँ, कोई इजी सा और सा डाल देता हूँ, जैसे कि आरिस मुमताज। जैसे ये रख लेता हूँ, ये आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने पासवर्ड चूज करना है। ठीक है, पासवर्ड जो होना चाहिए वो आपका तकरीबन 8 या 8 से ज़्यादा हिंसों पे मुश्तमिल होना चाहिए। तो उसमें मिक्स जो है वो लेटर होने चाहिए, उसमें कैपिटल भी होने चाहिए और स्मॉल भी होने चाहिए। तो इसमें मैं अभी रख लेता हूँ जैसे आरएस, एक मिनट, आरएस। अगर आप वो जो ऊपर आपने पासवर्ड दिए हैं आप वो भी रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो। अच्छा, आरएस 880। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड में, कंफर्म पासवर्ड में भी आकर आपने वो ही दोबारा पासवर्ड देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, ये अभी जो मैंने पासवर्ड दिया था ना, ये अभी स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसलिए जो है वो कोई ऐसा पासवर्ड देना है जो कि स्ट्रॉन्ग हो। जैसे मैं आप दे दे, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, अब वो आपसे आपका जो है वो फोन नंबर मांग रहा है। तो सबसे पहले तो अगर आपने यहाँ पर देखना है कि आप अगर पाकिस्तान से हो तो आपने पाकिस्तान से सिलेक्ट करना है, अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, या किसी और कंट्री से हो तो आपने वहाँ पर अपना कंट्री कोड चूज़ करना है। अब मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान को चूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद 0 को छोड़ के आपने बाकी पूरा नंबर एंटर करना है। जैसे मैं अपना नंबर एंटर करता हूँ, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है। अच्छा, याद रहे कि आपने वही नंबर एंटर करना है यहाँ पर जो कि आपके पास मोबाइल में उस वक्त ऑन हो, ताकि आपको जब वेरिफिकेशन वसूल हो तो आप इसमें एंटर कर सको। 7 3 2 9 1 9, ये हो गया। आपने वेरीफाई पे जस्ट क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अब रिकवरी ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आपकी कोई फेसबुक वगैरह की आईडी वगैरह है तो वो आप इंटर कर दे, तो अगर नहीं है तो इसको आप जो है वो फिलहाल के लिए छोड़ दे, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा आपने नीचे जाना है और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करनी है। ठीक, उसके बाद आपने
अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल है फीमेल है। मैं मेल हूँ इसलिए मेल पे क्लिक करूँगा। आपने अगर फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे जाकर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो है दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपने नीचे आना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि जीमेल अकाउंट हमारी बन गई है। तो आप जस्ट आपको जो है वो जीमेल अकाउंट वगैरह अब ओपन हो गई है, आपके सामने इनबॉक्स वगैरह आ गई है, सब कुछ आ गया। ये देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आगे एक दो और वीडियोस इससे रिलेटेड बनानी है जो कि अर्निंग्स रिलेटेड है, कैसे आप लिंक्डइन से जीमेल अकाउंट को यूज़ करके आप उससे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो से इंटरेस्टेड है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इंटरेस्टेड लिखकर बता दीजिएगा, ताकि मैं आगे जो फर्दर और वीडियोस हैं वो भी बनाकर आपको जो है आप तक पहुंचा दूं। शुक्रिया।